अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। अज बड़ी ही जबरदस्त मालूमात लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं और तुहानू ये दसांगा कि अदाकार मसूद भट्ट ने बिलावल फिल्म क्यों छोड़ी, अदाकार कैफी दे हिस्से च ये फिल्म क्यों आई, इस फिल्म ने कैसा बिजनेस किया, इस फिल्म ते पाबंदी क्यों लगी और अंजमन ने इस फिल्म में कैसा काम किया है। फिल्म इश्क रोग की नाकामी तो बाद अरशद बड़ाई एक फिल्म बनाना चाहते सन। उन्होंने एम सदीक ने एक फिल्म लिखी हुई सी अब्दुल्ला के नाम तो, अरशद बड़ाई ने उन्हों को 40,000 रुपये दे के वो कहानी खरीदी और जदों बेनजीर भुट्टो साहबा के घर बेटा पैदा आया तो उन्होंने उसका नाम बिलावल रखा। तो अरशद बलाइच न बिलावल के नाम तो फिल्म बनाने का ख्याल आया और उन्होंने मसूद भट्ट के नाल राबता किया। मसूद भट्ट ने उन्होंने ऑफर कबूल की और इस तरह फिल्म बिलावल बनाने का आगाज हो गया। इस फिल्म वास्ते उन्होंने अदाकार मसूद भट्ट के नाल गल की। मसूद भट्ट चूंकि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर सी और मसूद भट्ट इंडस्ट्री के मसरूफ तरीन डायरेक्टर सन और उन्होंने कोल उस वक्त बैक वक्त 5 फिल्मा सन, यानी कि एक दिन के अंदर 5 फिल्मा की और रिकॉर्डिंग करते सन एक सैट तो दूसरे सैट पर। इस तरह एक वक्त वो 5 फिल्मा की रिकॉर्डिंग करके इंडस्ट्री के मसरूफ तरीन डायरेक्टर सन। जदों अरशद बड़ाई ने फिल्म स्टार्ट की और इस फिल्म का एक गाना और चंद सीन होए सन, अरशद बड़ाई यह फिल्म जल्दी चाहिए सी और वो इस फिल्म नू जल्दी रिलीज़ करना चाहते सन ताकि इस फिल्म नू मुकम्मल करके वो चाहते सन कि फिल्म जल्दी मुकम्मल होए ताकि जिहड़ी आने वाली ईद उल फितर है, ईद के मौके पर चूंकि फिल्म अच्छा बिजनेस कर दिया सन इस वक्त से वो इस फिल्म नू रिकॉर्ड टाइम कंप्लीट करके सैलमे के उत्ते लगाना चाह रहे सन। चूंकि मसूद भट्ट मसरूफ तरीन डायरेक्टर सन, जदों अरशद बड़ाइच ने मसूद भट्ट के नाल गल की कि वो इस फिल्म नू जल्द अज जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं तो मसूद भट्ट नू यह गल नागवार गुजरी तो उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी। जदों मसूद भट्ट ने यह फिल्म छोड़ी तो अरशद बड़ाइच ने अदाकार कैफू नू यह फिल्म सौंप दी। इस तू पहले अरशद बड़ाइच खालिद लोधी ते कैफी मिल के इश्क रोग बना चुके सन जिहड़ी नाकामी तो हमकनार हुई और कैफी दी किस्मत दा सितारा जाग पिया। इस फिल्म दे जिहड़े अदाकार सन सुल्तान रई, अंजमन, हमायूं कुरैशी, आगा तालश, बहार बेगम, इस फिल्म दे अदाकार कैफी सन, एदे फिल्म साज सैयद मंजूर हुसैन सन, इहदे जिहड़े लिखारी सन एम सदीक सन ते इहदा म्यूजिक दिता सी जुल्फकार अली ने। हदायतकार कैफी ने रिकॉर्ड टाइम विच इस फिल्म नू कंप्लीट कीता ते 7 मई 1999 ईद उल फितर के मौके ते इस फिल्म नू रिलीज़ कर दिता गया। जदों इस फिल्म नू रिलीज़ कीता गया यह फिल्म सिनेमे ते चली और कुछ दिन चलण तो बाद इस फिल्म के अंदर अंजमन का एक बड़ा ही बेहूदा गाना सी जिस गाने की वजह तो सेंसर बोर्ड ने दोबारा इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी। सेंसर तो बाद इस पर पाबंदी लगा दी और बैन कर दिता कि यह फिल्म उन सैल में चल नहीं सकती। फिल्म साज ने अदालत ना रजू किया, अदालत ने इस फिल्म नू रिलीजिंग की इजाज़त दी और जो दोबारा ये फिल्म चली तो इसने इंतहाई सुपर दुपर हिट कामयाबी हासिल की और बहुत सारा रिकॉर्ड बिजनेस किया और इस फिल्म की कामयाबी तो बाद अदाकार
कैफी एक मसरूफ तरीन डायरेक्टर बन गए। अगर तुम्हें मेरी मालूमात अच्छी लगे मेरे चैनल में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो नैक्सट वीडियो तक रब रखा।